मंडल को हाथ में उठाया और चले हैं। चलते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं कि ऐसा कोई इस नगर में दानी है जो हमारा दान दे सके, जो हम मांगे वो हमें मिल जाए। तो पूछते हुए जा रहे हैं नगर वासियों से। यदि कोई है मैया को लाल इच्छा पूर्ण करे बड़े हैं, नन्ने नन्ने पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। आगे बड़े तो एक लड़का मिल गया और उस लड़के से कहा कि इस नगर में ऐसा कोई है जो हमें दान दक्षिणा दे सके। लड़का कहने लगा, कहां से आयो बाबा जी? तो बामन भगवान बोले, हम बड़ी दूरी से आए, मन में अभिलाषा लाए। हम बड़ी दूर से आए, मन में अभिलाषा लाए। हम बड़ी दूर से मन में अभिलाषा लाए। यदि जग सुखी रहे परिवार, इच्छा पूर्ण करे हमारी। वामन भगवान आगे बड़ी, एक लड़का मिल गया। बोले, भैया इस नगर में ऐसा कोई है
जो हमें दान दक्षिणा दे सके। लड़का कहने लगा, बाबा आप इतने छोटे से मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन आए कहाँ से? वो बोले आप बहुत दूर से आए हैं और हमें जल्दी जाना है। इधर राजा बलि सोमा यज्ञ रचा रहे थे, सोचा अगर यज्ञ पूरा हो गया तो हमारे बस की बात नहीं है कि तीनों लोगों को जीत सके। आगे बड़ी तो लड़का समझा करके बोला है, बाबा एक जगह तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ के जो राजा ही उनका नाम है बलि, दैत्यों के राजा बेशक है, लेकिन उनके दरवाजे से कोई भी आज तक खाली हाथ वापस नहीं आया। बोले भैया, लेकिन राजा बलि का दरबार कहाँ है? कहाँ पर रहते हैं? उनका महल किधर है? तो लड़का समझाए के बोलो, बाबा ऊंची अटरिया सामने राजा की, ओरे राजा की बाबा, कोई कोई राजा को द्वार दे। बोला है वो लड़का, बाबा ओ जी